आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। आज बंगाली कैंप के कुछ लोगों ने सुअरों को महानगर पालिका में रखकर महापौर से अनुरोध किया कि बंगाली कैंप वार्ड सी श्याम नगर वार्ड में पिछले कई दिनों से सुअरों को पाला जा रहा है और सुअरों का वध किया जा रहा है। सप्ताह में 3 से 4 दिन सुअरों का वध किया जाता है और उन्हें सड़क पर बिठा दिया जाता है, उनका सामूहिक बिक्री किया जाता है। इससे यहाँ से आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। साथ ही सुअरों का वध करके उनके बेकार अंगों को सड़क पर फेंक दिया जाता है, इसलिए उसकी गंध से क्षेत्र के कुत्तों और अन्य जानवरों खासकर मांस खाने के लिए जगह जगह जमा हो जाते हैं। ये एक सामान्य घटना है कि बहुत सारी गंदगी और बदबू आती है, इससे क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है। बरसात का दिनों में मांस इधर उधर फेंके जाने के कारण 28 अगस्त 2021 से आसपास के क्षेत्र में हमेशा दुर्गंध आती रहती है। इसलिए क्षेत्र में प्रदूषित वातावरण के कारण जनता का मन इस तरह के अवैध व्यापार और कई अन्य संक्रामक रोगों जैसे डेंगू मलेरिया बुखार आदि से त्रस्त है। इससे पहले भी महानगर पालिका को बंगाली कैंप के नगर सेवक अजय सरकार द्वारा इस बारे में निवेदन दिया गया था, मगर अब तक महानगर पालिका ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। इसलिए आज सांकेतिक आंदोलन किया गया और इसके बाद भी अगर कार्यवाही नहीं हुई तो पूरा महानगर पालिका मरे हुए सुअर लाकर भर देंगे, ऐसी चेतावनी आंदोलनकर्ताओं की ओर से ऋषभ उर्फ गोल्डी पाचारके ने दी है। अकार्यक्षम महानगर पालिकेचा सर्वप्रथम आम्ही निषेध करतो। आज जे आम्ही आंदोलन केला आहे सन्माननीय चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेचे झोन क्रमांक 3 चे माजी सभापती तथा बंगाली कॅम्प प्रभाग क्रमांक 4 चे विद्यमान नगरसेवक सन्माननीय अजय भाऊ सरकार यांनी डुक्कर कत्तलखाना तरी तथा डुक्कर पालन या विरोधात वारंवार महानगरपालिकेमध्ये महापौर मॅडम आणि आयुक्त साहेबांना निवेदन देऊन सुद्धा यांनी या गोष्टीवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली नाही। यामुळे प्रभागातील जनता हे वारंवार कर आणि टॅक्स सर्व पद्धतीचे भरत असताना आम्ही आमच्या जीवाशी कशा पद्धतीने खेळणार, आणि याच्यानंतर फक्त आम्ही तोंडच इथं डुक्कर सोडले आहे, पण यानंतर जर या गोष्टीची लवकरात लवकर जर दखल घेतली नाही तर चंद्रपूर जिल्हा सोडून महाराष्ट्रातील नावलौकिक विकास पुरुष यांच्या घरावर संपूर्ण डुक्कराचा कळप सुरू। एनडी बेकर्स, फ्रेश अँड डिलिशियस केक्स, चीज केक्स, डिझर्ट्स, पेस्ट्रीज, ब्राउनी, पफ, ब्रेड्स, कुकीज, खारी अँड डोनट्स, होम डिलिव्हरी अवेलेबल। लव दाय बेक्स, ND Bakers, freshly baked. Care of the ND Hotel, Nagpur Road, Chandrapur. Contact number 7744844444। से आधा घंटा पहले बाबूराव कुसले द्वारा भी पत्र परिषद ली गई, जिसमें उन्होंने विनोद तरसे, उनकी पत्नी, सास माता मोहरले, भाई फरजान शेख और योगिता ठाकरे के खिलाफ FIR दर्ज कराने की बात पत्रकारों को बताई। FIR अनुसार बाबूराव कुसले ने बताया कि उसकी सासू के घर स्लैब हो रहा था, जहां पर आरोपितों ने घुसकर फ्लैट की सेंट्री निकाली और उसकी पत्नी को मारपीट की। ये देखना रोचक होगा कि पुलिस अब क्या कार्रवाई करती है। भाई प्रकाश मोरलेची आई एवढे जण माझ्या घरामध्ये घुसून मला मारले आणि माझ्या सेंटिंग तोडले। मी ते माझ्या घरात तुम्ही नगरपालिका जर अतिक्रमण असेल तर नगरपालिका हटवणार, तुम्ही तुम्हाला अधिकार नाही हटवण्याचं असं बोलले असता पुन्हा मला मारहाण केली आणि तुम्ही इथं बांधायचं नाही, तुमच्या घरातून मला रस्ता द्या असं का त्यांचं म्हणणं आहे। आणि ते बांधकाम मी खूप पुराने पासून म्हणजे 1995 पासून त्या ठिकाणी राहत आहे आणि माझे जुने बांधकामसुद्धा संदाचे तिथे आहे आणि त्यांनी ही धमकी दिली की वरचे आयुक्त साहेब ते आम्हाला पाठवत आहेत आणि असे म्हणून नगरपालिकेचे 4-5 लोक आले व आम्हाला धमकी दिली व आमचे काम थांबवले गेले आहे। प्लीज करून मला न्याय मिळण्यात यावा। त्याच्या बायकोला मार लागलेला आहे आणि ते गोट्याला अडून मला मारत असता ती गोट्याला अडून पडलेली आहे, त्यामुळे तिच्या डोक्याला मार लागलेला, तिला कोणी मारहाण केलेला नाही आहे।